दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बताने वाली हूँ, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करने के लिए क्या क्या वेज हैं। हम लोगों को पता है कि कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें कुछ लेटर ऐड कर देने से या फिर कुछ लेटर को माइनस कर देने से, हटा देने से एक नया वर्ड जो है क्रिएट हो जाता है या फॉर्म हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करने का तीन तरीका है, तीन वेज हैं जहाँ से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं। पहला, फ्रॉम एडजेक्टिव्स, यानी कि ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव के कैटेगरी में आता हो उन सब में अगर हम कुछ ऐड कर दें या कुछ सब्स्ट्रैक्ट कर दें तो वो जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूप ले लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर द वर्ड गुडनेस फ्रॉम गुड, मतलब कि जो वर्ड गुड है वो एक एडजेक्टिव है, उसमें अगर हम नेस को ऐड कर देते हैं यानी डबल एस तो वो फॉर्म हो जाता है गुडनेस, और ये जो गुडनेस है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये जो है ये क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन या मैन। ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है, उसमें अगर हम वाई को ऐड कर देते हैं तो ऑनेस्टी हो जाता है और ऑनेस्टी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी फ्रॉम ब्रेव, ट्रूथ फ्रॉम ट्रू। दोस्तों और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म कर सकते हैं, मैंने बस यहाँ कुछ ही दिए हैं एग्जाम्पल। चलिए अब नंबर टू पर चलते हैं, फ्रॉम वर्ब्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एडवाइस फ्रॉम एडवाइस, इस केस में क्या हो रहा है, किसी भी वर्ड के एंड वाले पार्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया जा रहा है और चेंज करके एक नया वर्ड फॉर्म हो रहा है और वो जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और हम लोग तो जानते ही हैं जो एडवाइस वर्ड है वो एक वर्ब है, ए डी वी आई एस ई, एडवाइस, इसका बात कर रही हूँ मैं, वो एक वर्ब है और उसको थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देते उसके थोड़े से पार्ट को तो फिर एडवाइस हो जाता है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चॉइस फ्रॉम चूज, इसमें भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये जो है चॉइस हो गया जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और चूज जो वर्ड है वो एक वर्ब है। लाफ्टर फ्रॉम लाफ, ओबेडियंस फ्रॉम ओबे। आई होप वर्ब मतलब आप लोगों को पता होगा, वर्ब मतलब होता है क्रिया, मतलब कोई भी काम करना। तो जैसे हम लोग चूज़ कर रहे हैं तो एक काम कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहा है तो किसी को एडवाइस दे रहा है, ये तो समझ में आ रहा है काम कर रहे हैं। लाफ कर रहे हैं यानी कि हंस रहे हैं तो एक काम हो रहा है, ओबे कर रहे हैं बात मान रहे हैं आज्ञा मान रहे हैं तो एक काम हुआ। तो वर्ब मतलब क्रिया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब हम लोग बताए थे कि कोई भी भाव यानी कि फीलिंग या इमोशन या क्वालिटी एक्शन स्टेट ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब नंबर सी की तरफ चलते हैं, फ्रॉम कॉमन नाउन्स। एग्जाम्पल देखें, चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, ओके, चाइल्ड एक नाउन है, चाइल्ड मतलब क्या होता है बच्चा, इसको हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखो कि चाइल्ड जो है कॉमन नाउन है, क्यों, क्योंकि एक जाति को एक्सप्रेस कर रहा है, ओके, एक जाति ग्रुप को, जाति समूह को एक्सप्रेस कर रहा है तो ये कॉमन नाउन हुआ। और इसमें अगर हम लोग हुड को ऐड कर देते हैं तो हो गया चाइल्डहुड जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडशिप फ्रॉम फ्रेंड, हीरोइज्म फ्रॉम हीरो, स्लेवरी फ्रॉम स्लेव। अब फ्रेंड, हीरो एंड स्लेव ये सब भी जो है कॉमन नाउन के कैटेगरी में आता है, और जो चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, हीरोइज्म, स्लेवरी ये सब जो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये किसी मैन का क्वालिटी एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस करता है। होप आप लोगों को ये टोटल थ्री वेज ऑफ फॉर्मिंग द एब्स्ट्रैक्ट नाउन
समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।